वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है थ्री फेस इंडक्शन मोटर में जो इफेक्ट होता है कॉगिंग। कॉगिंग क्या होता है? तो कॉगिंग दोस्तों थ्री फेस इंडक्शन मोटर में होने वाला एक प्रकार का इफेक्ट है। और थ्री फेस इंडक्शन मोटर में कॉगिंग का मतलब ही होता है मैग्नेटिक लॉकिंग। जब स्टेटर पार्ट और रोटर पार्ट दोनों आपस में मैग्नेटिक रूप से लॉक हो जाए, आपस में बंध जाए, तब ये इफेक्ट पैदा होता है। तो कॉगिंग और क्रॉलिंग को यदि हम समझे, जैसे हमने क्रॉलिंग को समझा था, वैसे ही दोस्तों हम कॉगिंग को भी समझेंगे। तो कॉगिंग एक प्रकार का मैग्नेटिक लॉक है। स्टेटर पार्ट में जो वाइंडिंग होती है और रोटर पार्ट में जो वाइंडिंग है, ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के अपोजिट में, एक दूसरे के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं दोस्तों। और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है। तो पोल यदि आपस में लॉक हो जाए तो मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी। तो स्टूडेंट, यहाँ होता क्या है ये इसके बारे में बताएंगे। कॉगिंग का अर्थ होता है नो लोड पर मोटर का न चलना। कॉगिंग का क्या अर्थ होता है दोस्तों? नो लोड पर मोटर का ना चलना, मतलब कि नो लोड की कंडीशन में मोटर चलेगी नहीं, ऑन नहीं होगी, ऑपरेट नहीं होगी दोस्तों। ये इसका मतलब होता है कॉगिंग का मतलब। कॉगिंग का मतलब ये भी होता है मैग्नेटिक लॉक हो जाना, मतलब स्टेटर के जो टीथ है और रोटर के टीथ यहाँ पर जो है दोस्तों, ये स्टेटर पार्ट का टीथ हो गया, इसके दांत हो गए, और ये रोटर पार्ट के दांत हो गए दोस्तों। यदि ये दोनों पार्ट आपस में मैग्नेटिकली रूप से लॉक हो जाएं, मतलब ये दोनों आपस में चिपक जाएं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी। और इसी मैग्नेटिक लॉक को क्या कहते हैं? हम कॉगिंग कहते हैं दोस्तों। और इसमें मोटर का जो रोटर पार्ट होता है ये घूमना बंद कर देता है। कहने का मतलब ये है सीधे शब्दों में, यदि रोटर या स्टेटर के टीथ की संख्या समान हो, जैसे रोटर में जो टीथ है वो समान हो और स्टेटर में टीथ की संख्या समान हो, तो वे एक दूसरे के आमने सामने क्या होते हैं? आ जाते हैं। क्योंकि दोनों के टीथ, दोनों के स्लॉट समान होंगे, तो ये स्टेटर जो टीथ है, मतलब स्टेटर की जो वाइंडिंग है और रोटर की जो वाइंडिंग के स्लॉट है, तो दोनों आपस में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, दोनों के टीथ समान होंगे दोस्तों, तो वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। और जब वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, तो जिससे उनके बीच का जो एयर गैप होता है वो कम हो जाता है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर आपको एयर गैप कम मिलेगा यदि स्टेटर और रोटर दोनों के जो स्लॉट हैं आमने सामने हो जाए, मतलब स्टेटर पोल और रोटर पोल दोनों आमने सामने हो जाए, तो यहाँ पर क्या होता है? एयर गैप, यहाँ पर एयर गैप कम हो जाता है दोस्तों। एयर गैप आपको कम मिलेगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो एयर गैप ज्यादा मिलेगा, यहाँ पर एयर गैप ज्यादा मिलेगा दोस्तों। और यदि रोटर और स्टेटर दोनों की वाइंडिंग के जो पोल हैं वो आमने सामने हो जाएं, तो एयर गैप कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों के कारण ही इफेक्ट क्रिएट होता है। तो क्या होता है, जब रोटर और स्टेटर के जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, या पोल बोल सकते हैं आप, आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, तो जिससे उनके बीच का जो एयर गैप है वो कम हो जाता है और वो मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं दोस्तों। चुंबकीय रूप से क्या हो जाएंगे? लॉक हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। जब एक दूसरे को आकर्षण करेंगे तो ये मैग्नेटिकली रूप से लॉक हो जाएंगे। लॉक होने का मतलब ये है कि ये पोल ना आगे बढ़ेगा ना पीछे होगा, ये दोनों साथ में मैग्नेटिक फील्ड इसके घूमेगी दोस्तों। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों साथ में घूमेगी। तो यहाँ पर यही होता है कि जब रोटर पोल और स्टेटर पोल, ये दोनों टीथ हैं, आपस में आमने सामने होते हैं, तब यहाँ पर एयर गैप कम हो जाता है और यहाँ पर मैग्नेटिकली रूप से ये दोनों क्या होते हैं? लॉक हो जाते हैं। जब ये मैग्नेटिकली रूप से दोनों लॉक हो जाते हैं, तो इसी घटना को हम कहते हैं कॉगिंग। इसी घटना को क्या कहेंगे दोस्तों? हम कॉगिंग। तो कॉगिंग आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल वे में कहा जाए कि जब स्टेटर पोल और रोटर पोल जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, तब यहाँ पर स्टेटर पोल और रोटर पोल के बीच में जो एयर गैप कम होने के कारण ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं और मैग्नेटिकली लॉक्ड हो जाते हैं। जब ये दोनों मैग्नेटिकली लॉक्ड हो जाते हैं, तो ये जो रोटर पार्ट है ये घूमना बंद कर देता है दोस्तों। अर्थात नो लोड की कंडीशन में ये वर्क होता है। नो लोड की कंडीशन में जब लोड कनेक्ट नहीं होगा, तब के सिचुएशन में ऐसा होता है दोस्तों थ्री फेस इंडक्शन मोटर में। तो कॉगिंग इफेक्ट नो लोड पर मोटर
न चलना, मतलब कि नो लोड पर मोटर ऑन नहीं होना, मोटर का रोटेट न होना, ये कॉगिंग कहलाता है दोस्तों। तो ऐसा कब होता है, जब किसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हमने लोड कनेक्ट नहीं किया, और यहाँ पर जब लोड कनेक्ट नहीं किया हमने, और यहाँ पर क्या हुआ कि स्टेटर पोल और रोटर पोल दोनों आमने सामने हो जाते हैं, तो ये मैग्नेटिकली रूप से लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो रोटर पार्ट होता है दोस्तों, ये रोटर पार्ट रोटेट नहीं करता। और जब ये रोटेट नहीं करता तो इसका कारण यही है कि ये रोटर पार्ट और स्टेटर पार्ट के जो टीथ हैं, ये दोनों मैग्नेटिकली रूप से लॉक हो गए हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है यहाँ पर, क्योंकि पोल में वाइंडिंग लपेटी होती है, इसी के कारण ये दोनों आपस में लॉक्ड हो जाते हैं और ये रोटर पार्ट अपनी जगह स्थिर हो जाता है, जिसके कारण कॉगिंग की घटना उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसी घटना को कॉगिंग कहते हैं। अब ये कॉगिंग की घटना जब उत्पन्न होती है तो इसके कारण क्या होता है, इसी के कारण लो वोल्टेज देने पर मोटर स्टार्ट नहीं होती दोस्तों। इसी कॉगिंग के कारण लो वोल्टेज, यदि वोल्टेज की वैल्यू कम है तो यहाँ पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसी कारण लो वोल्टेज देने पर मोटर स्टार्ट नहीं होती, तथा चलते हुए समय में वो हमिंग साउंड उत्पन्न करती है, मतलब कि वाइब्रेशन और हमिंग की आवाज आएगी दोस्तों। जैसे ट्रांसफार्मर में हमिंग की आवाज आती है, वैसे ही थ्री फेस इंडक्शन मोटर में भी हमिंग की आवाज आती है दोस्तों। तो हम यहाँ पर थ्री फेस इंडक्शन मोटर में कॉगिंग जो इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। थ्री फेस इंडक्शन मोटर में, तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर में जो कॉगिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक लॉकिंग जो उत्पन्न होता है, ये थ्री फेस इंडक्शन मोटर में होता है। और जब लो वोल्टेज देते हैं तो मोटर स्टार्ट नहीं होती, तथा चलते हुए समय में ये हमिंग की साउंड उत्पन्न करती है, मतलब कि यदि मोटर हल्की हल्की रोटेट हो रही है तो यहाँ पर आवाज उत्पन्न करेगी, और ये आवाज कौन सी होगी, हमिंग की आवाज होगी दोस्तों। और ये हमिंग की आवाज उत्पन्न करेगी तो आपको समझ जाना है कि ये कॉगिंग इफेक्ट के कारण थ्री फेस इंडक्शन मोटर का रोटर हमिंग कर रहा है, ठीक है दोस्तों। इसमें जीरो लोड या नो लोड पर मोटर स्टार्ट नहीं होती। यदि किसी थ्री फेस इंडक्शन मोटर में कॉगिंग इफेक्ट उत्पन्न हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें कॉगिंग इफेक्ट उत्पन्न होने के कारण यह थ्री फेस इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं होगी। अब याद रखिए दोस्तों, इस कॉगिंग को हमको समाप्त करना है, कॉगिंग को दूर करना है हमें, तो हमें क्या करना होगा। तो कॉगिंग को दूर करने के लिए हमें दोस्तों, यहां पर हम क्या करेंगे कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर में कॉगिंग को समाप्त करने के लिए रोटर की जो स्लॉट को हम क्या करेंगे, स्क्यूड करेंगे, मतलब कि तिरछा करेंगे। रोटर का जो स्लॉट होगा वो होगा तिरछा। जब रोटर के स्लॉट को हम तिरछा बनाएंगे, तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर में देखेंगे कि कॉगिंग को समाप्त करने के कौन कौन से मेथड हैं। पहली मेथड है, फर्स्ट मेथड, रोटर की जो स्लॉट है उसको स्क्यूड करेंगे। स्क्यूड का मतलब होता है तिरछा, तिरछा करेंगे। तो रोटर की जो स्लॉट है, यदि उसको तिरछी बनाया जाए, उसके डिजाइनिंग हम क्या करें, तिरछा करें, ठीक है। तो तिरछा करेंगे, उसके स्क्यूड बनाएंगे रोटर के स्लॉट को, तो ऑब्वियसली है कॉगिंग समाप्त हो जाएगा। कॉगिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, समाप्त हो जाएगा। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कॉगिंग को समाप्त करने के लिए हमें किस चीजों का या कौन सी मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो रोटर की जो स्लॉट है, मतलब रोटर का जो खांचा है, इसे क्या करते हैं, हम तिरछा बनाते हैं। रोटर का जो स्लॉट है, खांचा, उसको तिरछा बनाते हैं, स्क्यूड बना जाता है। इनकी संख्या स्टेटर के टीथ के बराबर नहीं रखते, कभी भी याद रखिए। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि कॉगिंग को समाप्त करने के लिए इनकी जो संख्या होगी, मतलब कि स्लॉट की संख्या, नंबर ऑफ स्लॉट की संख्या, स्टेटर की जो स्लॉट की संख्या होगी उसके बराबर कभी नहीं बनाएंगे, नहीं तो बार बार मैग्नेटिक लॉकिंग होगा, और फिर यहाँ पर मैग्नेटिक लॉकिंग होगा तो आपकी थ्री फेज इंडक्शन मोटर हमिंग करने लगेगी। तो इसलिए दोस्तों, इसी कॉगिंग को समाप्त करने के लिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम क्या करते हैं, रोटर के स्लॉट को तिरछा बनाते हैं। इस तरीके से तिरछा बनाएंगे, इसके बार और ये बार में वाइंडिंग लपेटी होती दोस्तों। ये इस साइड वाला इन रिंग है, दोनों साइड, इसमें इनर केज आउटर केज दोनों होता है, हमने पढ़ा है दोस्तों इसको। तो ये रोटर का जो स्लॉट है, इसको तिरछा बना रहे हैं, तो ये इसी स्लॉट को तिरछा बनाते हैं, तो कॉगिंग और क्रॉलिंग दोनों इफेक्ट दूर हो जाती है। तो इसी इसकी जो संख्या स्टेटर के टीथ की संख्या के बराबर कभी नहीं रखते, अर्थात प्राइम जो नंबर है
वो रखते हैं, मतलब विषम संख्या में रखी है। यदि स्टेटर में जो टीथ की संख्या यदि 12 है तो हम यहाँ पर जो इसको रखेंगे तो 11 रखेंगे दोस्तों। मतलब स्टेटर के टीथ की संख्या 12 है तो हम रोटर के टीथ की संख्या कितनी रखेंगे, 11 रखेंगे। मतलब ये विषम संख्या होना चाहिए, समान सम संख्या नहीं होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर हम कॉगिंग इफेक्ट को समाप्त करने के लिए रोटर के स्लॉट को क्या करते हैं, तिरछा बनाते हैं। इसी कारण से ये जो कॉगिंग इफेक्ट है, ये हमिंग की आवाज करता है, ये दूर हो जाती है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मेन पॉइंट ये है कि रोटर स्लॉट को जब तिरछा बनाया जाता है तो यहाँ पर स्टेटर के टीथ को हमेशा असमान रखा जाता है। असमान रखना बहुत जरूरी है। स्लॉट को तिरछा तो बनाएंगे लेकिन स्टेटर के जो टीथ की संख्या है उसको क्या करेंगे, हम असमान करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, यदि ये स्टेटर में टीथ की संख्या 12 है तो रोटर में टीथ की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 11 होगी। तो विषम रखना पड़ेगा हमें, तब हम कॉगिंग को पूर्णतः समाप्त कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब पढ़ेंगे सिंगल फेसिंग इंडक्शन मोटर। सिंगल फेस वाली इंडक्शन मोटर कैसी होती है? तो सिंगल फेसिंग इंडक्शन मोटर में भी हम देखेंगे यहाँ पर, तो बेसिकली ये सिंगल फेसिंग जो इंडक्शन मोटर होती है वो कंटिन्यू रन करती है दोस्तों। और जब ये कंटिन्यू रन करती है तो मोटर घूमती है, और थ्री फेस जो सिंगल फेस, एक फेस मतलब कि ओपन होने पर ये स्पीड इसकी क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। चलिए इसे हम समझते हैं सिंगल फेसिंग इंडक्शन मोटर कैसे होती है। एक फेस यदि ओपन हो जाए तब ये मोटर कैसे ऑपरेट होती है दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम सिंगल फेसिंग इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेसिंग इंडक्शन मोटर में देखें तो डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन दोनों होता है दोस्तों। अब सिंगल फेसिंग इंडक्शन मोटर में डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन, ये दोनों हमें इसे समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिंगल फेस मोटर की बात नहीं की जा रही है, थ्री फेस इंडक्शन मोटर में किसी एक फेस को हमने, एक फेस क्या हो गया, ओपन हो गया, तब की सिचुएशन क्या क्रिएट होगी उसको बताया जा रहा है दोस्तों। तो सिंगल फेसिंग इसलिए बोला गया है इसको। थ्री फेस इंडक्शन मोटर में यदि धोखे से कोई एक फेस ओपन हो जाए, सिंगल थ्री फेस इंडक्शन मोटर में धोखे से एक फेस क्या हो जाए, ओपन हो जाए, तब की सिचुएशन के लिए यहाँ पर बात की गई है। तो हम देखेंगे डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, यदि थ्री फेस इंडक्शन मोटर में डेल्टा कनेक्शन किया गया है और एक फेस ओपन हो जाए, इसमें मतलब कि आर फेस को हमने क्या कर दिया दोस्तों, ये धोखे से ओपन हो गया, तब आपकी थ्री फेस इंडक्शन मोटर कैसे वर्क करेगी, ये इस चीज को हमें यहाँ समझना है। तो देखिए यहाँ पर ये वाइंडिंग है, इसका रिएक्टेंस होगा, ये भी एक वाइंडिंग है, ये आर फेस की डेल्टा कनेक्शन में दोस्तों, तो आर वाई भी तीनों फेस की वाइंडिंग में उसका रिएक्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो दोस्तों क्या होता है यहाँ पर, ये स्टेटर की वाइंडिंग है, हम यहाँ बात कर रहे हैं जो डेल्टा कनेक्शन में है, स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग को हमने डेल्टा कनेक्शन में किया है। यहाँ बात कर रहे हैं हम थ्री फेस इंडक्शन मोटर की। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, थ्री फेस इंडक्शन मोटर की बात की जा रही है दोस्तों, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की बात नहीं की जा रही है। थ्री फेस इंडक्शन मोटर में यदि एक फेस सडनली ओपन हो जाए तब क्या होगा, क्या मोटर रुक जाएगी, क्या मोटर जल जाएगी, क्या मोटर में फॉल्ट आ जाएगा, उसी चीज को हमें समझना है दोस्तों। तो हमने डेल्टा कनेक्शन किया है स्टेटर वाइंडिंग में। डेल्टा कनेक्शन किसमें किया हमने, स्टेटर वाइंडिंग में, ठीक है। और याद रहे स्टार कनेक्शन हमेशा रोटर वाइंडिंग में करते हैं, रोटर वाइंडिंग में कभी डेल्टा कनेक्शन नहीं करते दोस्तों, ठीक है। स्टेटर और रोटर वाइंडिंग में कभी डेल्टा कनेक्शन नहीं करते, सिर्फ स्टार कनेक्शन ही करेंगे, ये पॉइंट को भी याद रखना है आपको, ठीक है। क्या होता है यदि थ्री फेस इंडक्शन मोटर में एक फेस सडनली ओपन हो जाए, चलिए आर फेस ओपन हो गया, तब यहां पर क्या होगा, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। थ्री फेस इंडक्शन मोटर में यदि एक फेस ओपन हो जाए तो दोनों वाइंडिंग में करंट फ्लो नहीं होगी, दोनों वाइंडिंग में करंट फ्लो नहीं होगी। ये मान के चलिए ये आर है, ये वाई है और बी है, यदि एक फेस ओपन हो जाए तो इस ये दोनों वाइंडिंग में करंट फ्लो नहीं होगी दोस्तों, ये दोनों करंट फ्लो इसमें होगी ही नहीं। और करंट सर्कुलेट कहाँ से होगी, वाई से होगी, तो वाई से करंट सर्कुलेट होगी इस वाइंडिंग में और यहाँ से करंट सर्कुलेट होके बीच में पहुंचेगी दोस्तों। अर्थात आर ओपन हो गया
तो आर के ओपन होने के कारण वाई से करंट एंट्री करेगी और इस रिएक्टेंस में इसमें सिर्फ एक फेस ही काम करेगा दोस्तों, मतलब एक फेस की करंट ही काम करेगी, सिर्फ एक फेस के ही करंट इसमें फ्लो होगी और वही काम करेगी, बाकी जो है वाई और बी सिर्फ ये दोनों ही में करंट फ्लो होगी दोस्तों एक ही फेस में, और आपकी जो मोटर है मैक्सिमम जो स्पीड है उससे रन कम करेगी दोस्तों। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ क्या होता है, थ्री फेस इंडक्शन मोटर में जब कंडीशन ऐसी बनती है कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर की सप्लाई का एक फ्यूज ओपन हो जाए, मतलब कि एक फ्यूज उड़ जाए, तब की सिचुएशन है, मतलब एक फेस क्या हो गया यहाँ पर दोस्तों ओपन हो गया, तो स्टेटर वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं हम। थ्री फेस सप्लाई किसमें देते हैं दोस्तों, स्टेटर वाइंडिंग में देते हैं थ्री फेस सप्लाई। अब यहाँ सडनली कोई एक फेस ओपन हो जाए तब क्या होगा, तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर की सप्लाई का एक फ्यूज जो है वो ओपन हो जाए या एक फेस ओपन हो जाए, प्रत्येक फेस में फ्यूज लगा होता है और वो फ्यूज यदि ओपन हो जाए मतलब कि एक फेस ओपन हो गया हो जाता है, तो बचे हुए दोनों फेस, अब ये दो फेस बचे दोस्तों, आर तो ओपन हो गया तो वाई और बी बचा, तो ये दोनों फेस जो है सिंगल फेस की तरह बिहेव करते हैं दोस्तों, मतलब वाई से करेंट एंट्री होगी और बी से आउट हो जाएगी, बी से करंट एंट्री होगी तो वाई से करंट आउट हो जाएगी दोस्तों, इस तरीके से चलता है सर्कुलेशन सिस्टम इसमें। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर की एक फेस यदि ओपन हो जाए तो बचे हुए दोनों फेस सिंगल फेस की तरह बिहेव करते हैं, कार्य करते हैं, क्योंकि करंट फ्लो का डायरेक्शन जो होता है वो एक समान हो जाता है दोस्तों, एक ही दिशा में हो जाता है, एक समान हो जाता है, और इस फेस को हम क्या कहते हैं फिर सिंगल फेस कहते हैं दोस्तों, और इसमें फिर मोटर की जो है परफॉर्मेंस पुअर परफॉर्मेंस होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी कंडीशन है एक तो नो लोड में, सेकंड है लाइट लोड में, और थर्ड है फुल लोड में। यदि ये थ्री फेस इंडक्शन मोटर में कोई एक फेस नो लोड की कंडीशन में हो जाए ओपन तब क्या होगा, थ्री फेस इंडक्शन मोटर में कोई एक फेस जैसे आर फेस लाइट लोड की कंडीशन में ओपन हो जाए तब क्या होगा, और थ्री फेस इंडक्शन मोटर के कोई एक फेस फुल लोड की कंडीशन में ओपन हो जाए तब क्या हो जाएगा। तो ये तीनों हम पॉइंट को समझेंगे दोस्तों कि तीनों पॉइंट में या तीनों कंडीशन में क्या होंगी। तो पहली कंडीशन है दोस्तों नो लोड की कंडीशन में एक फेस ओपन हो तब क्या होगा, तो नो लोड की कंडीशन में तो पहले ये देखेंगे सिर्फ हाफ या लाइट लोड पर सिंगल फेस में अर्थात एक फेस ओपन होने पर मोटर कंटिन्यू रन करती है, ध्यान से सुनिए, सिर्फ आधे हाफ फेस या हाफ लोड या लाइट लोड पर, हाफ लोड हो या लाइट लोड पर हो, इसी पर थ्री फेस इंडक्शन मोटर दो दोस्तों एक फेस पर चलती है, ठीक है। अर्थात ये बोल सकते हैं कि कोई भी थ्री फेस इंडक्शन मोटर जो है, कोई भी थ्री फेस इंडक्शन मोटर हाफ लोड पर या लाइट लोड पर, हाफ लोड पर या लाइट लोड पर सिंगल फेस में अर्थात एक फेस ओपन होने पर मोटर कंटिन्यू रन करती है, परंतु स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, याद रखिएगा दोस्तों, जो मैक्सिमम स्पीड थी उसकी उससे थोड़ी कम हो जाएगी। चलिए इसे देखेंगे हम, तो इसे यदि हम इस तरीके से समझें तो ज्यादा अच्छा होगा। जब रुकी हुई, जब थ्री फेस इंडक्शन मोटर रुकी हुई हो तब की कंडीशन में क्या होगा, तो रुकी हुई जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें क्या होता है दोस्तों ये देखेंगे, तो इसमें क्या होता है सिंगल फेस सप्लाई देने पर वह स्टार्ट नहीं होती, ज्यादा करंट लेती है और जो वाइंडिंग है वो जल जाती है, क्योंकि सिंक्रोनस रिवॉल्विंग फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाती। सिंक्रोनस रिवॉल्विंग फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होगी, थ्री फेस सप्लाई देने पर ही। तो याद रखिएगा दोस्तों, यदि एक फेस ओपन हो जाए, थ्री फेस इंडक्शन मोटर की एक फेस ओपन हो जाए तो ये सिंगल फेसिंग हो जाती है। तो यदि कोई भी थ्री फेस इंडक्शन मोटर में सिंगल फेस सप्लाई देने पर वह स्टार्ट नहीं होती, क्यों नहीं होती, इसका रीजन यही है कि सिंक्रोनस रिवॉल्विंग फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाती और आपकी जो मोटर है वो सिंगल फेसिंग होने के कारण जल जाती है। सेकेंड है दोस्तों, सेकेंड हाफ लोड या लाइट लोड पर, तो हाफ लोड या आधे लोड पर, हाफ लोड पर या लाइट लोड पर क्या होगा, तो हाफ लोड पर चल रही है इंडक्शन मोटर में, लेकिन सिंगल फेसिंग होने के कारण वो लगातार उसकी दिशा, उसी दिशा में वो घूमते रहती है सिंगल फेसिंग होने के कारण।
तो हुआ क्या यहाँ इसमें, चलिए इसे समझेंगे। हमने थ्री फेज सप्लाई थ्री फेज इंडक्शन मोटर को दिया है। हुआ यूं कि एक फेस ओपन हो गया, मतलब एक फेस कट गया। अब मोटर चालू है तो मोटर हाफ लोड है या लाइट लोड है तो कंटिन्यू रन करेगी उसी दिशा में। हाफ लोड है या लाइट लोड है तो उसी दिशा में रन करेगी दोस्तों। यदि हेवी लोड हो जाए, थर्ड पॉइंट देखिए, तो यदि हेवी लोड हो जाए तो उस हेवी लोड पर चल रही है थ्री फेस इंडक्शन मोटर, तो सिंगल फेसिंग होने पर वो रुक जाती है दोस्तों। मतलब कि लोड थ्री फेस इंडक्शन मोटर में सडनली यदि हाई लोड है और एक फेस ओपन हो जाए और मोटर चल रही है और चलते चलते एक फेस ओपन हो जाए दोस्तों, मतलब एक फेस वो कट जाए, तो मोटर हेवी लोड होने के कारण रुक जाएगी। दोस्तों मैंने तीन कंडीशन बताया। पहली कंडीशन सिंगल फेसिंग होगी तो मोटर जल जाएगी क्योंकि सिंक्रोनस रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, नो लोड की कंडीशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन है नो लोड। नो लोड की कंडीशन में दोस्तों मोटर जल जाएगी, उसकी वाइंडिंग जल जाएगी सिंगल फेसिंग होने के कारण। मतलब कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर है, उसका एक फेस ओपन हो जाए और नो लोड की कंडीशन में है मोटर, हमने नो लोड में उसको स्टार्ट कर दिए थे, तो मोटर की वाइंडिंग सडनली जल जाएगी दोस्तों। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया आपको, हाफ लोड या लाइट लोड हो, मतलब कुछ ना कुछ लोड उसमें कनेक्ट है, तब की सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन में मोटर क्या हो जाएगी, एक फेस तो ओपन हो जाएगा, तो मोटर आर फेस से वाई फेस तक, ठीक है, आर से वाई, वाई से बी, तो आर ओपन हो गया तो वाई और बी से करंट फ्लो होगी जिसके कारण मोटर एक ही दिशा में घूमेगी, मोटर रुकेगी नहीं दोस्तों, स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी लेकिन एक ही दिशा में वो घूमेगी। लेकिन हेवी लोड पर यदि मोटर का एक फेस ओपन हो जाए तो सडनली, आप ध्यान रखिए, सिंगल फेसिंग होने के कारण, मतलब एक फेस ओपन होने के कारण करंट ज्यादा लेगी, आई का मान बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है, और मोटर जल जाएगी, मोटर जल जाएगी दोस्तों। तो ये इसीलिए कभी भी देखना आपके घर की भी मोटर होगी थ्री फेस वाली, थ्री फेस वाली सबमर्सिबल पंप होगी, तो उसको सिंगल फेस होने पर, घर पे यदि सिंगल फेस है या एक फेस गोल है तो उसको ऑन कभी नहीं करते क्योंकि उनको मालूम है एक फेस यदि गोल है तो ये मोटर जैसे ही हम ऑन करेंगे तो मोटर ज्यादा करंट लेगी, ओवर करंट लेगी, हीटेड होगी और मोटर जल जाएगी दोस्तों। तो ये सब चीजों को हम यहाँ पर इसीलिए पढ़ते हैं ताकि जब हम फील्ड में उतरे तो इन चीजों का ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो यहाँ पर जब थ्री फेस इंडक्शन मोटर में यदि एक फेस, कोई भी एक फेस, चाहे वो आर फेस हो, चाहे वाई फेस ओपन हो, चाहे बी फेस ओपन हो, यदि आर फेस ओपन होता है तो करंट सर्कुलेट होगी वाई और बी से। यदि वाई फेस कैंसल होता है, ओपन होता है, तो करंट सर्कुलेट होगी आर से बी तक, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से करंट सर्कुलेट होगी डेल्टा कनेक्शन में। आप याद रखिएगा, डेल्टा कनेक्शन मतलब कि स्टेटर वाइंडिंग को हम स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन कोई भी कनेक्शन कर सकते हैं। थ्री फेस इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं हम। थ्री फेस इंडक्शन मोटर में स्टेटर पार्ट जो होता है उसको स्टार कनेक्शन भी कर सकते हैं और डेल्टा कनेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम रोटर वाइंडिंग को हमेशा स्टार कनेक्शन ही करते हैं, डेल्टा कनेक्शन नहीं करते दोस्तों। इस चीजों को आपको, इन ये पिन पॉइंट होते हैं थ्री फेस इंडक्शन मोटर में, इन पॉइंट को हमें याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यदि इस पॉइंट को आप याद नहीं रखेंगे तो आई होप आप थ्री फेस इंडक्शन मोटर की जो रोटर पार्ट होता है वो, उसको आप, उसके रोटर पार्ट को या रोटर वाइंडिंग को, ये आपसे जल सकती मोटर, ठीक है। इसके आगे देखें हम, तो इफेक्ट ऑफ लोड ऑन पावर फैक्टर ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर में लोड इफेक्ट पर, पावर फैक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यदि लोड बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो पावर फैक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, थ्री फेस इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं हम, तो नो लोड पर पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 0.2 लैगिंग हो जाएगा। लैगिंग इसलिए होगा क्योंकि ये यहाँ पर वाइंडिंग के रूप में जो कॉपर वाइंडिंग यूज करते हैं वो इंडक्टिव कॉइल है, कॉपर जो वाइंडिंग है वो इंडक्टिव कॉइल होती है दोस्तों, इसीलिए पावर फैक्टर लैग हो जाता है, मतलब पीछे पश्चगामी हो जाता है, ठीक है। तो नो लोड पर पावर फैक्टर 0.2 लैगिंग होगा।
फुल लोड पर पावर फैक्टर होगा 0.88 लैगिंग, 0.88 लैगिंग होगा दोस्तों। तो ये फुल लोड की सिचुएशन में होगी। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर में लोड पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा पावर फैक्टर के, तो जैसा लोड होगा तो पावर फैक्टर पर वैसा इफेक्ट पड़ेगा। मतलब यहाँ पर लोड के कारण पावर फैक्टर चेंज हो रहा है दोस्तों। जैसे नो लोड है तो 0.2 लैगिंग पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिन पॉइंट है।